बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकेरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे। यूकेरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन कैसे और किन लेवल्स पे कंट्रोल होता है। सबसे पहले व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन है क्या। जीन एक्सप्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ जीन इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ अ फंक्शनल जीन प्रोडक्ट सच एज प्रोटीन। सेल की तमाम इन्फॉर्मेशन कहाँ मौजूद है, सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन के फॉर्म में मौजूद है। और जीन क्या है, दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अब जो इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ जीन मौजूद है, इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना, इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके उसे डीकोड करना, और इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में है, उस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करना, प्रोटीन की फॉर्मेशन करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। तमाम सेल्स के पास जो डीएनए है वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अब सेल्स हैं वो कंट्रोल करते हैं कि इतने सारे जीन में से किन जीन्स को स्विच ऑन करना है और किन जीन्स को स्विच ऑफ करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड हैं वो जीन स्विच ऑन हो जाएंगे, जो रिक्वायर्ड नहीं है वो जीन स्विच ऑफ हो जाएंगे। तो इसी वजह से जो डिफरेंट सेल्स हैं उनकी जो डिफरेंट क्या होंगी, प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है, उनमें प्रोडक्ट्स क्या होंगी, डिफरेंट प्रोटीन्स होंगे। फॉर एग्जांपल लिवर सेल्स हैं। अब लिवर सेल्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो यूज नहीं करते, तो उनमें ये जीन्स क्या होंगे, स्विच ऑफ होंगे। लेकिन न्यूरॉन सेल्स आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए क्या यूज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स यूज करते हैं। तो जो न्यूरॉन सेल्स हैं उनमें ये जीन्स क्या होंगे, स्विच ऑन होंगे। लिवर सेल्स में स्विच ऑफ होंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ वो यूज़ नहीं करते। जबकि जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो यूज़ करते हैं, वहाँ क्या होंगे, स्विच ऑन हो जाएंगे। डिफरेंट लेवल्स पे जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल होता है, कौन कौन से लेवल्स हैं। ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल है, ट्रांसलेशनल कंट्रोल है, पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल है, रोल ऑफ हार्मोन्स है। वन बाई वन इन लेवल्स को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होना, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसमें डिफरेंट रीजन्स हैं और कौन कौन से डिफरेंट प्रोटीन्स यूज होती हैं, डिफरेंट एंजाइम यूज होते हैं, अब वन बाई वन हम इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, फॉर्म करता है। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये कहाँ अटैच होता है, प्रमोटर रीजन के ऊपर। आपको दिखाते हैं, प्रमोटर रीजन है ये, देखेंगे ये प्रमोटर रीजन है। प्रमोटर रीजन क्या होता है, वो रीजन जहां आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा और ट्रांसक्रिप्शन जहां से स्टार्ट होती है उसे कहते हैं प्रमोटर रीजन। और जो प्रमोटर रीजन है ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है प्रमोटर रीजन का, टाटा बॉक्सेस होते हैं, टीए बॉक्सेस होते हैं, वो कोड करते हैं प्रमोटर रीजन को। ठीक है, प्रमोटर रीजन के साथ क्या अटैच होता है, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। 100 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यूज होते हैं। अब ये फैक्टर्स क्या करते हैं, ये फैक्टर्स क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं किसकी, आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर रीजन के साथ अटैच होने में। ठीक है, ये क्या करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज को, ये फैक्टर्स हैं डिफरेंट दिखाएं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये प्रमोटर रीजन के साथ अटैच करने में किसे हेल्प करते हैं, इस आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की मदद से प्रमोटर रीजन पे अटैच होगा। ठीक है, इसके बाद प्रमोटर रीजन को पता चल गया आपको, कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन, वो जो कोड कर रहा है जीन को, प्रोटीन जिससे फॉर्म होनी है ये प्रमोटर रीजन के आगे मौजूद होता है। और लास्ट पे है इनहेंसर रीजन क्या होते हैं। इन्हेंसर रीजन क्या होते हैं, ये भी प्रोटीन्स होती हैं, एक रीजन होता है
प्रोटीन्स नहीं होती, सॉरी, ये एक रीजन होता है डीएनए का, इनहेंसर रीजन। इन एनहेंसर रीजन के साथ कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, इन्हें एक्टिवेटर्स कहते हैं। ये एक्टिवेटर्स क्या करते हैं, ये एक्टिवेटर्स क्या करेंगे, इस इनहेंसर रीजन के साथ अटैच होंगे। जब इनहेंसर रीजन के साथ अटैच होंगे ये, तो ये क्या कर देंगे, ये डीएनए को क्या कर देंगे, बेंड कर देंगे। जब डीएनए बेंड हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो इनहेंसर रीजन के साथ अटैच था, जो एक्टिवेटर इनहेंसर रीजन के साथ अटैच था, इसे क्या कर देते हैं, इसे दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ क्या लेते हैं, उस आपस में उनका कंटेक्ट करवा देते हैं। पहले कंटेक्ट नहीं था, ये बेंडिंग नहीं थी जब, लेकिन जब बेंड हुए हैं एक्टिवेटर्स, इनहेंस को बेंड कर रहे हैं, तो इनका आपस में ये क्या कर रहे हैं, कंटेक्ट आ जाएगा। जब वो इन कंटेक्ट आ जाएंगे, ये एक्टिवेटर्स इनहेंसर रीजन को इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और पॉलीमरेज के साथ इन कंटेक्ट आ जाएंगे, तो ट्रांसक्रिप्शन को क्या करना है, शुरू कर देंगे, स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये है ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसके बाद है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसक्रिप्शन होगी, कंप्लीट होगी, लेकिन जो आरएनए बनता है उसे कहते हैं प्री मैसेंजर आरएनए। अभी इसमें कुछ चेंजेस आनी है, फिर उसकी ट्रांसपोर्ट होनी है, उसकी एक्सपोर्ट होनी है न्यूक्लियस से कहाँ, साइटोप्लाज्म में। आरएनए प्रोसेसिंग का प्रोसेस होता है। आरएनए प्रोसेसिंग में डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट कैपिंग है, पोली ए टेल एडिशन होती है और आरएनए सप्लाइसिंग होती है। ये प्रोसेस होते हैं किसमें, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल में, उसमें आरएनए की जब प्रोसेसिंग होती है, जिसे हम प्री मैसेंजर आरएनए कहते हैं। अब कैपिंग का प्रोसेस सबसे पहले है। अब कैपिंग क्या होता है, अब जैसे देखिए, अगर कोई बुक आपने लिखी है, पब्लिश करवाना चाहते हैं, अब बुक के क्या है, एक फ्रंट पेज होता है और एक बैक कवर होता है, दो कवर पेजेस होते हैं, फ्रंट और होता है बैक। आप कैपिंग कह सकते हैं, कैप फ्रंट कवर है, जो बुक का जो फ्रंट कवर है उसे कहते हैं कैपिंग। जो फाइव एंड है डीएनए का, मैसेंजर आरएनए का, उस फाइव एंड के साथ क्या अटैच होता है, सेवन मिथाइल जीटीपी, सेवन मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये अटैच होके क्या करेगा, ऐसे कैप करेगा, फाइव एंड पे अटैच होगा, फाइव टू फाइव होता है, फाइव एंड इसका होगा जीटीपी का और फाइव एंड क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड का होगा, इसमें आपस में क्या होगा, बॉन्डिंग होगी। तो कैपिंग का क्या फायदा है, कैपिंग क्यों होती है मैसेंजर आरएनए की, अभी हम प्री मैसेंजर आरएनए कह रहे हैं, यहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट न्यूक्लियसिस है, फॉस्फेटेसिस है, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, प्लस हो हेल्प टू पोजिशन द मैसेंजर आरएनए करेक्टली ऑन राइबोसोम। मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम पे करेक्टली पोजीशन करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। कैपिंग के बाद सेकंड है पोली ए टेल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पोली ए टेल, जैसे मैंने कहा था बुक का फ्रंट पेज और बैक कवर होता है, ये बैक कवर है जो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। पोली ए, पोली मीन्स मैनी, ए एडिनिन, बहुत से पोली, बहुत से जो एडिनिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अटैच हो जाते हैं थ्री एंड पे और वो क्या करते हैं, ऐसे टेल के तौर पर काम करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। राउंड अबाउट कितने न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, 200 एडिनिन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये भी काम क्या है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं न्यूक्लियस फॉस्फेटेसिस से, प्लस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेकंड जो थर्ड प्रोसेस है वो है आरएनए सप्लाइसिंग का। आरएनए सप्लाइसिंग मीन उसकी कटिंग कर देना, प्री मैसेंजर आरएनए है उसको मैसेंजर आरएनए में चेंज होना, लास्ट स्टेप है आरएनए सप्लाइसिंग। अब बुक की बात की, फ्रंट कवर होता है, बैक कवर होता है और अगर कोई दरमियान में कुछ पेजेस ख़राब हों अगर, या कुछ पेजेस खाली हों, उन पेजेस, ख़राब पेजेस को या उन खाली पेजेस को निकाल देना बुक में, उसे कहते हैं सप्लाइसिंग, सप्लाइज कर देना। इसी तरह मैसेंजर आरएनए में, जो प्री मैसेंजर आरएनए है उसमें भी जो जीन होते हैं उसके डिफरेंट रीजन्स होते हैं, दो रीजन्स होते हैं जीन में, तमाम रीजन्स में, तमाम जीन्स में दो रीजन्स होंगे लास्ट में, एक होंगे इंट्रोन्स और दूसरे होंगे एक्सोन्स। इंट्रोन्स कौन से होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं जो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते। एक्सोन क्या होते हैं, कोडिंग रीजन्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को कोड करते हैं। यहां भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें कहते हैं सप्लाइसियोसोम होती है, वो प्रोटीन क्या करती है, हेल्प करती है आरएनए सप्लाइसिंग में। मींस क्या करेगा, अब जो एक्सोन है, कोडिंग रीजन्स है, इनकी जरूरत है, इंट्रोन्स की जरूरत नहीं है, तो इनकी कटिंग हो जाएगी। ये जो इंट्रोन्स है ये कट हो जाएंगे और एक्सोन्स है ये आपस में दोबारा क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे।
तो डिफरेंट सेल्स हैं डिफरेंट प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो डिफरेंट एक्सोन जो कॉम्बिनेशन हैं वो डिफरेंट सेल्स में यूज होता है। ये आर एन इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल हो गया। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल के बाद है ट्रांसलेशनल कंट्रोल। ट्रांसलेशनल लेवल पे भी कंट्रोल किया जाता है जीन एक्सप्रेशन को। और व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन क्या होता है? अब डीएनए से मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हो गई थी, मैसेंजर आरएनए को यूज करके अब क्या फॉर्म करना? प्रोटीन को फॉर्म करना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। अब यहां भी कंट्रोल होता है जीन एक्सप्रेशन, कैसे? कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को क्या कहते हैं? इनिशिएशन फैक्टर्स कहते हैं। इनिशिएशन फैक्टर्स भी क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में। कैसे? जो राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है, यूकेरियोट्स में बात करें दो राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं, एक 60S होता है एक 40S होता है। जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो कौन सा होता है? 40S। ये इनिशिएशन फैक्टर्स क्या करते हैं? वो स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होते हैं इनिशिएशन में, और ट्रांसलेशन में क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं, उसे स्टार्ट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ट्रांसलेशनल कंट्रोल भी हो गया। इसके बाद है पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल। ट्रांसलेशन के बाद भी कंट्रोल होता है जीन एक्सप्रेशन, उस कंट्रोल को कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां होती है प्रोटोलिटिक क्लीवेज, ब्रेकडाउन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें इंसुलिन की, ये हमें प्रोडक्ट मिली है, प्रोटीन मिली है, जब डीएनए से मैसेंजर आ रहे हैं, मैंने मैसेंजर आ रहे से क्या बन गई? प्रोटीन। उस ये प्रोडक्ट मिली हम, लेकिन अभी इसकी प्रोसेसिंग होनी है। ट्रांसलेशन के बाद इसकी भी कटिंग होती है। अब यहाँ देखेंगे डिफरेंट सेगमेंट, हमें पता है दो चेन्स होती हैं, अल्फा चेन है बीटा चेन है, ठीक है, या अल्फा चेन और बीटा चेन है, दरमियान में एक सी पेप्टाइड है जो दोनों को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। हमें एक सिंगल चेन मिली है, तो इसमें क्या होगा? इसे प्री प्रो इंसुलिन कहते हैं, इसमें से सिग्नल सीक्वेंस कट हो जाएगा, उसे प्रो इंसुलिन बन जाएगी, फिर ये जो सी चेन है सी पेप्टाइड है इसकी भी ब्रेकडाउन हो जाएगी, दोनों जो चेन अल्फा बीटा डाइसल्फाइड बॉन्ड के आपस में जुड़ जाएंगे, तो तब जाके इंसुलिन हमें मिलती है। जो प्री प्रो इंसुलिन है इसमें 110 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये प्रोसेसिंग के बाद टोटल अमाइनो एसिड्स हमें कितने मिलते हैं? 51 अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। तो जो पोस्ट ट्रांसलेशनल कंट्रोल है वो भी हो सकती है। इसके बाद लास्ट पे रोल ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स भी रोल प्ले करते हैं जीन एक्सप्रेशन में, इनवर्टिब्रेट्स में भी और वर्टिब्रेट्स में भी। सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, इनवर्टिब्रेट्स में जाइंट क्रोमोसोम मौजूद होते हैं जिसे पॉलीटीन क्रोमोसोम कहते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो, फॉर एग्जांपल कुछ इंसेक्ट लार्वा हैं ड्रोसोफिला का, उनके सैलिवरी ग्लैंड्स में जाइंट क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, क्योंकि जाइंट इनका साइज नॉर्मल क्रोमोसोम से क्या होता है? ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इन क्रोमोसोम्स में क्या हुआ है, जब सेल डिवाइड करते हैं उसमें सबसे पहले क्या है? न्यूक्लियर डिवीजन होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती जाएगी होती जाएगी, डीएनए रेप्लिकेट होते जाते हैं लेकिन साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं होती, तो जो क्रोमोसोम है उसका जो साइज है वो क्या होगा? नॉर्मल क्रोमोसोम से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इनमें क्या होता है? एक्शन हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं? ये हार्मोन्स क्रोमोसोमल पफ्स को क्रिएट करते हैं। अब क्रोमोसोमल पफ्स देखेंगे कि ये क्रोमोसोमल पफ है, ये क्रोमोसोमल पफ है, कुछ पफ्स बने होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। अब क्रोमोसोम पफ क्यों बनते हैं, इनका क्या काम है क्रोमोसोम पफ का? ये क्रोमोसोमल पफ हैं, ये एक्टिव रीजन्स होते हैं क्रोमोसोम के, इसके क्रोमोसोम के एक्टिव रीजन्स हैं। वो एक्टिव रीजन्स क्या हैं? जहां डीएनए से क्या बननी है? मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होनी है, ठीक है, मतलब जहां ट्रांसक्रिप्शन होनी है वहां क्या फॉर्मेशन होती है? पफ। यहां क्या जीन होते हैं? यहां एक्टिव जीन्स मौजूद होते हैं। ये कौन कंट्रोल करता है इसे? एक्डाइसोन, एक हार्मोन है जो किसमें हेल्प करता है? एक्डाइसिस या मोल्टिंग को कंट्रोल करता है। अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें, वर्टिब्रेट्स में भी हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्स हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, और डिफरेंट स्टीरॉइड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉर्टिसोल है, एंड्रोजन्स हैं, ये डिफरेंट हार्मोन्स हैं, ये कंट्रोल करते हैं जीन एक्सप्रेशन को। जब भी सेल को एक्सपोज किया जाएगा स्टीरॉइड को, तो क्या होगा? जो हार्मोन है स्टीरॉइड हार्मोन, वो प्लाज्मा ब्रेन को क्रॉस कर लेगा, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तो डिफ्यूज होकर कहाँ पहुंच जाएगा? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से कहाँ एंटर करेगा? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में जाके
सॉल्युबल रिसेप्टर प्रोटीन होती है, उस रिसेप्टर प्रोटीन के साथ ये जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब ध्यान रखेंगे कि अगर अब दो तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, अगर स्टीराइड का स्टिमुलस नहीं मिला, हार्मोन प्लाज्मा ब्रेन को क्रॉस करके नहीं गया, न्यूक्लियस में प्रोटीन के साथ जाके नहीं मिला, तो क्या होगा, यहाँ एक इनहिबिटरी प्रोटीन अटैच होती है इस हार्मोन रिसेप्टर के साथ। जब तक स्टीराइड हार्मोन अटैच नहीं होगा, ये इनहिबिटरी प्रोटीन क्या करती है, डीएनए बाइंडिंग सरफेस को क्या करती है, कवर करती है। तो एब्सेंस स्टीराइड, जब हार्मोन रिसेप्टर नहीं होगा, स्टीराइड अटैच नहीं करेगा, ये इनहिबिटरी प्रोटीन एक्टिव होगी और डीएनए डीएनए जो बाइंडिंग सरफेस है उसे क्या करेगी, कवर करेगी। लेकिन सेकंड कंडीशन है, अगर हार्मोन है क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ स्टीराइड है, तो जब वो स्टीराइड आके तो क्या होगा, स्टीराइड आया इधर आके अटैच हो गया, जब अटैच हो जाएगा तो इनहिबिटरी प्रोटीन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। यहां से देखें आप, रिलीज हो जाएगी। जब ये रिलीज हो जाएगी तो यहाँ जो डीएनए बाइंडिंग सरफेस है हार्मोन रिसेप्टर की, ये क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। जब ये फ्री हो जाएगी देन क्या होगा, केमिकल सिग्नल के तौर पर एक्ट करेगा। किस लिए, स्पेसिफिक जीन्स हैं अगर सेल्स के अंदर, उन स्पेसिफिक जीन्स को क्या किया जाएगा, स्विच ऑन किया जाएगा। मीन्स ये हार्मोन्स हैं मखसूस रीजन्स में जाके स्पेसिफिक जीन्स को स्विच ऑन करने में भी हेल्प करते हैं। कैसे, ये हार्मोन जब स्टीराइड आके अटैच होगा, इस इनहिबिटरी प्रोटीन को रिलीज कर देगा, डीएनए बाइंडिंग सरफेस क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। जब ये डीएनए बाइंडिंग सरफेस फ्री हो जाएगी तो ये क्या करेंगे, ये एस केमिकल सिग्नल के तौर पे एक्ट करेंगे और डिफरेंट जो जीन्स हैं उन्हें क्या कर देंगे, स्विच ऑन करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए बेल आइकन का बटन दबाएँ।